हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो मीटर में जो दो कपलर होता है उसमें से मैंने जो ब्लू कलर का कपलर होता है, ये यहाँ पे देखिए, इधर में ये जो कपलर है इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया हूँ कि इसमें एक एक वायर के बारे में मैंने उसमें बताया है कि कौन वायर किस काम का है, किसमें मेन आएगा, किसमें ग्राउंड आएगा, किसमें क्या आएगा, वो सारा चीज़ मैंने उसमें बताया। तो आज मैं इस कपलर के बारे में बताने वाला हूं कि इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा वायर है और कौन वायर में क्या होगा, ये सारा चीज़ हम जान जाएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है पिंक कलर का ये प्लास्टिक, ये एक लॉक है। मैं इसको अभी निकाल दे रहा हूँ, देखिए ये निकल गया, ठीक है। ये सिर्फ एक लॉक है, मैं इधर इसको निकाल के रख दे रहा हूँ और ये देखिए ये निकल गया। इसमें कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ कनेक्टर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये सारा तार जो है अब दिख रहा है, उसका कलर कोड भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी एक एक वायर को बताने वाला हूँ कि कौन वायर किस काम का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो पिन है सब वो दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पिन नंबर एक है, ठीक है। आप यहाँ पे वाइट कलर का है, ठीक है, इसलिए सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पिन नंबर एक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 18 लिखा हुआ है और यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप खोलिएगा तो देख करके समझ जाइएगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको जो ब्लू कलर का वायर दिख रहा है पिन नंबर एक में, ये है इंडिकेटर लाइट का, ठीक है। बाएं साइड का जो इंडिकेटर लाइट होता है लेफ्ट साइड का, उसका ये वायर है, ठीक है। ये हो गया ब्लू कलर का उसका, ये है इंजन पर हीट कैथोड। तो फ्रेंड्स, ये नाम से तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ का वायर है, इंजन पर हीट कैथोड। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक साइड में देखिए, ये एक इमेज जो दिख रहा है, ऐसा ही इमेज का एक लाइट है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी मीटर बोर्ड में। तो फ्रेंड्स, ये वायर उसी चीज़ का है। अगर आप इसके और डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि ये लाइट किस चीज़ का है, इसमें करंट आता है या ग्राउंड आता है या सिग्नल आता है, और ये कहाँ से करंट आता है, ECM से आता है या फ्यूज बॉक्स से आता है, तो इसके बारे में मैं एक फुल डिटेल्स में वीडियो अपलोड कर दूँगा, अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो। तो फ्रेंड्स, ये जो वायर है इंजन पर हीट कैथोड, ये इसी लाइट का है। इसका लाइट का दो पिन होता है, एक एनोड का और एक कैथोड का। तो आगे चल के एक और वायर मिल जाएगा, ठीक है। ये इंजन पर हीट कैथोड है और ये जो दिख रहा है ये वायर, ये है एक, देखिएगा, एक मीटर में आता है लो एयर प्रेशर, ठीक है। जब एयर प्रेशर लो हो जाता है तो वो लाइट जल जाता है, ये उसी का। ये जो ग्रीन पे ब्लैक कलर का वायर है, ये उसी का है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ये है इंजन पर हीट एनोड, ठीक है। ये कैथोड का था और ये एनोड है। और यहाँ पे देखिए, ये जो वायर है एक येलो पे, देखिए यहाँ पे येलो पे ब्लू कलर का वायर है, यहाँ ये देखिए, ये येलो पे ब्लू कलर का वायर है और ये है फ्लासर का, ठीक है। ये फ्लासर का है, जो एक और पिन होता है मिडिल में, जो डायरेक्ट आता है मीटर बोर्ड में। और आप अगर राइट का इंडिकेटर जला रहे हैं फिर भी इसमें आता है, और लेफ्ट का जला रहे हैं फिर भी इसमें आता है, ये वही वायर है। टी लिखा होता है या दोनों साइड का इंडिकेटर का एक लोगो रहता है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए, एक ये गुलाबी कलर का वायर है, ठीक है, पिंक कलर का वायर है, और ये है हेडलाइट का जो हाई बीम होता है ना, उसी का है ये, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ये जो है ऑरेंज पे ग्रीन कलर का वायर, ये है इग्निशियन स्विच का मेन, मतलब इग्निशियन स्विच ऑन कीजिएगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक और, यहाँ पे और ऑरेंज पे ग्रीन कलर का वायर है, जो ये है स्टॉप इंजन लाइट जो रेड कलर का आता है उसी का है, लेकिन ये है कैथोड, ठीक है, उसका कैथोड पिन का है, चेक इंजन लाइट का कैथोड, ओके। और एक और यहाँ पे ग्रे पे ब्लू कलर का वायर है, देखिए यहाँ पे ये जो वायर है, ये ग्रे पे ब्लू कलर का वायर है, देखिए ये वायर, ये है ग्रे पे ब्लू कलर का वायर, ठीक है। और ये है चेक इंजन लाइट का कैथोड, ठीक है, चेक इंजन लाइट उसका कैथोड है। ये सब आता है, ये जो वायर है, चाहे ये वायर है जो
लाइट का है, स्टॉप लाइट या चेक इंजन लाइट, ये सब आता है ECM से, ठीक है। और ये जो है ये चेक इंजन का एनोड हो गया, ठीक है। तो ये चेक इंजन का एनोड, ये कैथोड, और ये स्टॉप लाइट का कैथोड, और ये इग्निशन स्विच का मेन, ठीक है। इधर का तो समझ में आ गया ना, एक एक वायर, और उसका आप यहाँ पे कलर कोड भी देख लिए कि कौन वायर किस कलर का होता है, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए 17 तक का पिन जो है वो हो गया, इसमें से देखिए यहाँ पे कुछ खाली है और कुछ में पिन भरा हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इधर, यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम देखेंगे, देखिए उधर का हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो दो पिन दिख रहा है, देखिए ये दोनों पिन, हालांकि ये दोनों पिन जो है, ये दोनों है जो व्हीकल स्पीड सेंसर जो होता है उसका जो वाइट कलर का एक वायर होता है मिडिल में, जिसको सिग्नल वायर बोला जाता है, ये उसी वायर का आउटपुट है। मतलब देखिएगा कि BS3 या BS4 कुछ गाड़ियों में लगा रहता है फैन आउट यूनिट, तो उसका काम होता है कि जो वो सिग्नल वायर है उसको और भी ज़्यादा करके देता है। मतलब सिग्नल वायर एक ही आता है सेंसर से, लेकिन वो फैन आउट यूनिट में जब इनपुट जाता है एक सिग्नल वायर, तो वहाँ से 3 सिग्नल वायर आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो इसमें वो सिस्टम नहीं दिया है, इसमें क्लस्टर बोर्ड, ये जो क्लस्टर हम देख रहे हैं मीटर बोर्ड, ये इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है, मतलब इसके लिए फैन आउट यूनिट लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दो उसका आउटपुट का, ठीक है। ये दोनों ECM में जाता है, और देखिए इसमें से एक ही ECM में गया है, हमने देखा कि कपलर में कि एक ही ECM में गया है और एक जा करके रुक गया है, मतलब एक ख़त्म हो गया जा करके सामने, वो कहीं नहीं गया है। और ये देखिए, ये जो है ये ब्लू पे रेड कलर का जो वायर है, ये है ABS का, जो ABS का लाइट होता है मीटर बोर्ड में, उसका कैथोड है, ठीक है। ये हो गया ABS का कैथोड, ब्लू पे रेड कलर का वायर, ठीक है, ABS का कैथोड। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ये येलो कलर का वायर है, ठीक है, ये येलो कलर का वायर है, और ये है ABS का एनोड, ठीक है। ये दोनों ABS का है, जो ABS लाइट है ना उसमें एक कैथोड गया है और एक एनोड गया है, दोनों ABS का, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का वायर है, ये वायर है, ये जो है ये वाटर इन फ्यूल सेंसर जो होता है ना उसी का ये वायर है, ठीक है, सिग्नल वायर वाटर इन फ्यूल सेंसर का, ठीक है। वाटर इन फ्यूल जो मीटर बोर्ड में लाइट आता है, अगर वाटर इन फ्यूल जैसे वो सेंसर के में अगर थोड़ा सा पानी आ जाएगा तो वो लाइट जल जाता है वाटर इन फ्यूल का, वो यही वायर है, ठीक है। इसके बाद से देखिए ऑरेंज पे ग्रीन कलर का एक वायर है, ये है स्टॉप इंजन एनोड, ठीक है। इधर आपने जो देखा था ये वायर, ये ऑरेंज पे ग्रीन, ये था स्टॉप इंजन का कैथोड, ठीक है, लेकिन ये जो वायर है ये है स्टॉप इंजन का एनोड, ओके, ये स्टॉप इंजन का एनोड हो गया। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये ऑरेंज, ये सॉरी ये येलो पे रेड कलर का वायर है, ठीक है, ये येलो पे रेड है, और ये है ECU इग्निशन, मतलब EMS, मतलब इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। आप फ्यूज बॉक्स में देखिएगा तो उसमें लिखा होगा EMS ECU इग्निशन, ठीक है, ये उसी का वायर है। मतलब इग्निशन स्विच ऑन कीजिएगा तो यहाँ भी करंट आएगा, और इसी में से टच करके गया है एक ECM में, ठीक है, वहाँ भी करंट जाएगा, तो ये वही वायर है, ठीक है। उसके बाद से एक ग्रीन पे रेड कलर का वायर है, ओके, ग्रीन पे रेड, ये है RPM का, ठीक है, ये डायरेक्ट अल्टरनेटर से यहीं आया है, ये हो गया RPM का वायर, ग्रीन पे रेड, देखिए ये वायर ग्रीन पे रेड। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये ग्रीन पे रेड हो गया, एक वाइट पे रेड कलर का वायर है। हाँ, ये जो वायर है ना, यहाँ पे आपने जो देखा था वो आउटपुट है व्हीकल स्पीड सेंसर का, जो सिग्नल वायर है उसका ये आउटपुट है, लेकिन ये जो वाइट पे रेड है ये इनपुट है। मतलब जो व्हीकल स्पीड सेंसर से जो मिडिल वाला वायर आ रहा है सिग्नल का, वो डायरेक्ट आ गया मीटर में, और मीटर जो है वो अंदर से बना करके दो और सिग्नल देता है ECM को, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके लिए अगर व्हीकल स्पीड काम नहीं कर रहा है तो हमको ये तीनों चीज़ देखना पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और ये जो रेड कलर का जो वायर है ये व्हीकल स्पीड सेंसर का ही पॉजिटिव है, मतलब ये वायर भी कट जाएगा तो इसमें जो किलोमीटर उठता है वो नहीं उठेगा, मीटर में जो किलोमीटर उठता है वो नहीं उठेगा, ठीक है, किलोमीटर काम करना बंद कर देगा। तो ये भी है किलोमीटर का, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक
पिंक कलर, पिंक पे ग्रीन कलर का वायर है, ठीक है, पिंक पे सॉरी पिंक नहीं है, रेड पर ग्रीन है, ओके, ये रेड पर ग्रीन है। और ये है टेम्परेचर का, जो यहाँ पे टेम्परेचर का है, ठीक है, ये टेम्परेचर मीटर जो लगा हुआ है ना मीटर में, वो यही है टेम्परेचर का। उसके बाद से देखिए एक और है ग्रीन पे रेड, ठीक है, ये है ग्रीन पे रेड। और ये है एयर प्रेशर स्विच, जो एयर प्रेशर स्विच होता है ना नीचे में, जो इसके ठीक ये मीटर जहाँ लगा हुआ है इसके ठीक नीचे जाइएगा तो सामने का जो टायर है वहीं पे वो ये हेडलाइट के पीछे में वो लगा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ओके, अब रह गया ये, तो ये ग्राउंड है, ये जो कलर है ये ग्राउंड का ही है, ठीक है। आपने अभी एक एक वायर के बारे में जान लिए हैं, ठीक है, और इसका जो कलर कोड है वो भी देख लिए हैं। अब जो है इस पे तो वीडियो हो गया मेरा, दोनों कपलर पे वीडियो अपलोड हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें देखिए, अगर ये वायर कट जा रहा है, देखिए ये तो चेक इंजन, ये सॉरी ये स्टॉप इंजन, ये देखिए ये जो है ये स्टॉप इंजन का कैथोड है, ठीक है, ये ऑरेंज पे ग्रीन कलर का, ये स्टॉप इंजन का एनोड है, लेकिन ये कट जाएगा तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, क्या फॉल्ट कोड आएगा, फॉल्ट कोड भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आपको तो पता होगा फॉल्ट कोड कैसे चेक किया जाता है विथाउट कोई स्कैनर या विथाउट लैपटॉप, जो कमिंस का इनसाइट आता है उसके बिना फॉल्ट कोड हम कैसे चेक करेंगे, उस पर मेरा वीडियो है अपलोड, उसको आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें पे ये हेडलाइट से लेकर के सब चीज़ पे लगभग वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखते रहिए उसको। और मैं अभी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ कि एक एक फॉल्ट कोड को जो उसका सॉल्व क्या होगा, उसके लिए कौन वायर चेक करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ मैं वीडियो में अपलोड करूँगा धीरे धीरे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।